बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज आपको हम टू बेडरूम अपार्टमेंट दिखाने जा रहे हैं। ये टू बेडरूम की एंट्रेंस लॉबी है। ये हमारा इधर मेन डोर लग जाएगा। मेन डोर से जो ही हम एंटर होते हैं तो इधर आपको ये इलेक्ट्रिकल एक डीबी नज़र आएगी जो हिडन है। ये इस तरह स्लाइड होके खुल जाएगी और इसके ऊपर जो स्लाइड पैनल है इसके ऊपर एक लुकिंग मिरर लग जाएगा जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और इसमें एंट्रेंस में ये लकड़ी का काम हुआ है तो इसमें दूसरी भी एक डीबी है जो नेटवर्किंग की डीबी है। ये भी हिडन है, किसी को नज़र इस तरह नहीं आएगी। और इसमें प्रोफाइल लाइट लग जाएगी एंट्रेंस में जो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। जो ही हम एंटर होते हैं तो ये लाउंज में 2x4 के खूबसूरत टाइल लगे हुए हैं और ये किचन के लिए जगह बनी है। अभी किचन लगा नहीं है, जब लग जाएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक किचन विंडो है और इसके साथ एक और भी बड़ी लाउंज की विंडो है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरत टाइल और सीलिंग की डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये मीडिया वॉल आ जाएगा। इधर मीडिया वॉल बन जाएगी ये, और ये विंडो है जो बालकनी तक एक्सेस है। लाउंज से बालकनी एक्सेस है। फिर हमारे पास ये दोनों बेडरूमों की लॉबी है जिसमें लकड़ी का काम हुआ है। एमडीएफ शीट लगी है और साइडों पे हमारे प्रोफाइल लाइट लग जाएंगे जो बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत नज़र आएगी। ये हम पहले बेडरूम में एंटर हो जाते हैं तो आपको दिखाई देगा इधर लकड़ी का काम भी हुआ है एमडीएफ शीट का। फिर साथ में विंडो है जो बालकनी तक एक्सेस है और इधर इसके साथ अटैच एक खूबसूरत बाथरूम है जिसमें 2x2 की टाइल लगी हुई है और सीलिंग का काम भी कंप्लीटेड है। अभी पिक्चर लगे नहीं है, डब्ल्यूसी बेसन वगैरह जब वो लग जाएंगे वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँगा। अभी सीलिंग की पेंटिंग बाकी है, जो भी पेंटिंग हो जाएगी तो हम फिर आगे ये बाथरूम के पिक्चर लगा देंगे। ये बेडरूम की विंडो है जो बालकनी तक एक्सेस है। एक विंडो ये है और एक विंडो वो है जिससे हम अभी हम बाहर निकलेंगे बालकनी तक, जो डुप्लेक्स है। दोनों बेडरूम से बालकनी तक एक्सेस है। ये आप बेडरूम की खूबसूरत सीलिंग भी देख सकते हैं। ये विंडो से हम बालकनी तक जाएंगे और आप फिर ये देख सकते हैं कि इस बालकनी को दोनों बेडरूमों से विंडो के ज़रिए एक्सेस है। ये अभी हम विंडो के ज़रिए दूसरे बेडरूम में एंटर हो गए तो आप देख सकते हैं इस बेडरूम में भी 2x4 की बड़ी टाइल लगी हुई है और इस बेडरूम की पीछे वाली दीवार पे एमडीएफ शीट की काम हो चुका है। अभी जो पॉलिश होनी है तो जब पॉलिश हो जाएगी वो भी मैं फिर आपको दिखा दूंगा। बाकी सीलिंग दोनों बेडरूमों की बिल्कुल सेम है। और फिर इस तरह ये इससे बाहर निकल के वो लॉबी में आ जाते हैं और लाउंज में आ जाते हैं। तो ये आज की वीडियो थी और आगे वीडियो में आपको कंप्लीट में दिखाऊंगा, तो देखते रहिए। शुक्रिया।